जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दोस्तों आपके बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? सब्जेक्ट हमारा रहेगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, अवध विश्वविद्यालय में। ये बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस भी देखेंगे, आंसर्स भी देखेंगे और सिलेबस को भी समझेंगे। सो कंप्लीट एक डिस्कशन होने वाला है, कंप्लीट एक वीडियोस आपके लिए होने वाली है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, एक पेन और एक पेपर ले लीजिएगा, पॉइंट्स को लिखते हुए चलेगा, हेडिंग को लिखते हुए चलेगा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा। जैसा कि आप देखेंगे दोस्तों, आपके इस पूरे विषय में तीन टॉपिक है। पहला क्या है? पहला है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, शैक्षिक प्रशासन, दूसरा है प्रबंधन, तीसरा है प्राइवेट शिक्षा। तो आप अगर सिलेबस को भी देखेंगे ना, तो आपका पूरा सिलेबस भी इन्हीं तीन पॉइंट्स में डिवाइडेड है। अब इन सारे पॉइंट्स को आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि जो सवाल आपके बनेंगे पूरे एग्जाम्स में वो इन्हीं पॉइंट से बनेंगे, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? शैक्षिक प्रशासन। अब इससे आपका सवाल क्या बनेगा? शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं, इसकी अर्थ क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक। उसी प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल प्रशासन, प्रधानाध्यापक के कार्य क्या होते हैं और इनकी योग्यता क्या होती है, एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुण क्या होते हैं, ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। बजट के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों सरकारों की शैक्षिक संरचना या शैक्षिक ढांचा क्या होती है, शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान होता है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। और एक और है यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय से भी आपके सवाल। दोस्तों ये जो पूरा पॉइंट है ना, इससे कम से कम आपको 30 से 35 नंबर के सवाल मिलेंगे इसी सारे पॉइंट से, और वो हमेशा पूछे जाने वाले सवाल हैं जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ये सवाल आपसे आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके बारे में व्याख्या, जैसे CABE, NCERT, NEP, NGO, NCTE, UGC और पोस्ट कॉप, इन सब के बारे में व्याख्या करना होता है। इसके यूज़ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कौन अध्यक्ष थे, इसके बारे में आपकी जानकारी, समानता क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए आपसे सवाल पूछा जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम आपके बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो आपने दो पॉइंट्स देख लिया, एक तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे और दूसरा आपने ये सारे पॉइंट्स थे जिससे सवाल आपसे पूछा जाता है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद जिसे इससे कम से कम आपको 20 से 25 नंबर का सवाल इन सारे पॉइंट्स से आपको देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली सवाल मिलेगा। आप प्रीवियस इस क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपसे इससे सवाल आपको मिलेंगे वहाँ पे। अब इसके बाद एक और टॉपिक रह गया दोस्तों, वो है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ का टॉपिक। इससे भी आपको 25 से 30 नंबर के सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अब ये वो सवाल है दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिसको आप ऑलरेडी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अपने इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन में कई बार आपने इसको पढ़ा है। तो हम इस वीडियो में इसी को एक बार रिवीजन कर लेंगे, इसी को एक बार देख लेंगे, ताकि कम से कम आपको एक एग्जाम्स का जो प्रेशर है, आपको ये लगता है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, वो प्रेशर थोड़ा कम हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इसमें एक जैसे पॉइंट है दोस्तों, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ या फिर एनवायरमेंट, पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण, क्या इसके बारे में आप नहीं लिख सकते? डेफिनेटली लिख सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी जानकारी है पर्यावरण के बारे में, हम थोड़ा बहुत देख भी लेंगे इसी वीडियो में। दूसरा दोस्तों प्रदूषण, जिसको हम पॉल्यूशन कहते हैं, पॉल्यूशन के बारे में, इसके कारण क्या होते हैं, इसके प्रकोप क्या होते हैं, इसको इसको रोका कैसे जा सकता है, तो ये सारे सवाल हैं। तीसरा है दोस्तों योग, योग या योगा से आप क्या समझते हैं, इसकी इससे फ़ायदा क्या है, इसके तरीके क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या था, ये आपसे सवाल, ये वो सारे सवाल हैं। आप देखिएगा तो ये आपसे पूछे गए हैं, कई कई बार सवाल आपसे पूछे गए। अगला पॉइंट है दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा मतलब हेल्थ एजुकेशन के बारे में, संतुलित आहार जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, स्वच्छता के बारे में जिसे हाइजीन कहा जाता है बच्चों, और इन्फेक्शियस डिजीज़, संक्रमक रोग, समय सारणी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, और एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिसे हम कहते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज़, ये सारे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, जो ये थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है, इन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में देख लेंगे, बाकी के अन्य वीडियोस में देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये जो सारे टॉपिक है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, पढ़े तो हम इसको, हम एक रिवीजन करके इसको समझ जाएंगे।
बाकी इसके अलावा जो हमारे पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इसमें एक से दो वीडियो लग सकती है, दो से तीन वीडियो भी लग सकती है, इसको अलग अलग देखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही दोस्तों ये जो पॉइंट्स हैं इस सबका एक अलग विस्तृत टॉपिक है, तो इसमें भी दो तीन से चार वीडियोस लग जाएंगे, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करें। तो फिलहाल ये जो टॉपिक है ये काफ़ी अच्छा लगभग वेटेज रखता है, 20 से 25 नंबर के सवाल तो आपको इससे पूछे ही जाएंगे, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ऑलरेडी आप इसको जानते हैं, पढ़े हैं, मगर फिर भी एक बार इसको रिविजन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ समझ में आएगी। तो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, या फिर इसकी परिभाषा, इसके प्रकाश के तत्व क्या होते हैं। तो भैया पर्यावरण किसे कहते हैं, भैया इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? तो देखिए पर्यावरण, आप जैसे हम इसे पहली बार इस परिभाषा को हमने इस क्लास 7th में याद रखा था कि पर्यावरण दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है कि ढका हुआ। तो हमारा पर्यावरण क्या हुआ, इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि व्यक्ति के आसपास चारों ओर जो कुछ भी है वो उसका पर्यावरण है। हम आसपास चारों तरफ जिससे ढके होते हैं वही हमारा पर्यावरण होता है, ठीक है। मानव के चारों ओर फैले हुए वातावरण को ही पर्यावरण की परिधि में माना जाता है। मानव जन्म से के मृत्यु उपरांत पर्यावरण में ही रहता है, तो जो भी हमारे आसपास सारी चीज़ें ढकी हैं यही क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। वास्तव में यही पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। पर्यावरण द्वारा व्यक्तित्व एवं सामाजिक क्षेत्रों का विकास करता है। यदि इससे अच्छा वातावरण नहीं दिया गया तो वह आदर्श मानव के रूप में स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता। व्यक्ति के चारों ओर से ढकने वाला आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। तो आपने पर्यावरण के बारे में यहाँ पे लिख दिया, जैसा पर्यावरण रहेगा, जैसा माहौल रहेगा, वैसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वैसे बालक की विकास होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपने इसको पर्यावरण के बारे में जाना। अगला इसी को पॉइंट को हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि पर्यावरण की परिभाषा आप एक दो परिभाषा आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, बड़ा आसान सा परिभाषा है। जे एस रॉस ने कहा था कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। हमें क्या क्या प्रभावित कर सकती है, हमारा वातावरण प्रभावित कर सकता है, आसपास का परिवेश, हमारे दोस्त, हमारे घर, आसपास का क्षेत्र, ये हमें प्रभावित करते हैं। वास्तव में यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो हर्ष कोकवर्स ने कहा था कि पर्यावरण इन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालते हैं, जो इफेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पर्यावरण। एक और परिभाषा देख लीजिए, डॉक्टर डेविच ने कहा था कि मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के ओर चारों ओर फैलने वाली भौतिक स्वरूप से है जिसके वह निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। तो ये हो गई पर्यावरण की परिभाषा। समझ में आ रही बच्चों? बस समझते जाइए, देखते जाइए, लिख तो आप अपने शब्दों में लेंगे, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत याद तो बिल्कुल ही नहीं करना है, आप खुद से लिख लेंगे। अगर हम बात करें पर्यावरण के अंगों की बात करें तो स्थल मंडल, जमीन स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये क्या है दोस्तों, ये पर्यावरण के अंग है, ठीक है, अंग की बात हो गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसके कुछ तत्व होते हैं जो पर्यावरण में हमारे जैसे आसपास में बहुत सारे तत्व हैं, जैसे जैविक तत्व, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके अंदर जीव है, पशु पक्षी पेड़ पौधे आसपास परिवार मित्र दोस्त, ये सारे लोग के वो तत्व हैं जिसके अंदर जीव है। इसके अलावा अजैविक तत्व हैं जैसे ये रोशनी, ये हवा, ये लाइट, ये सूर्य, ये चाँद, ये तारे। तो सूर्य अजैविक तत्व में देखेंगे जलवायु की कारक जैसे सूर्य प्रकाश एवं ऊर्जा, तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी जो नमी है उसकी बात की जाए, वायुमंडलीय गैस, ये सभी क्या है दोस्तों, पर्यावरणीय के तत्व हैं, वे तत्व जिनके अंदर जीव नहीं होती, इसे अजैविक तत्व हम कह सकते हैं, ठीक है। ढाल, पर्वत, दिशा, जल स्रोत, सागर, झील, नदी, भूमि का जल, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, पर्यावरण का हिस्सा है, और ये वो है अजैविक तत्व, इनको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और अजैविक तत्वों में, जैसे कि मृदा रूप, मिट्टी, जल मृदा, ये खनिज धातु, लोहा, ये सारी चीज़ें दोस्तों, तटीय मतलब पर्वतीय, ये सारे क्या हैं, वो तत्व हैं जो अजैविक हैं और पर्यावरण में पाए जाते हैं, बात समझ जाएगी। और जैविक जैसे मैंने आपको बताया, जन जीव, वनस्पति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव मनुष्य, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी भाई, जैव तत्वों के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पर कोई दिक्कत, पर्यावरण के बारे में आपने समझा, चारों तरफ का आवरण, इसकी परिभाषा देखी आपने, इसके तत्व देख रहे हैं जैविक और अजैविक देख रहे हैं, पर्यावरण के अंग देखा आपने, भूस्थल, भूथल, वायुस्थल और जलस्थल, तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली पर्यावरण के बारे में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब पर्यावरणीय शिक्षा, एक सिंपल सा शब्द है पर्यावरणीय शिक्षा। अब आपने जो पर्यावरण को देखा, पर्यावरण को जाना, उसी का शिक्षा में प्रयोग या उसी को उसी की शिक्षा प्राप्त करना पर्यावरणीय शिक्षा हो गई,
समझ में आ रही बात, उसी को शिक्षा प्राप्त करना कि पर्यावरण के बारे में जानना, अगर इसमें कोई कमी है तो उसको दूर करना, इसको और बेहतर करना, बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति एक अच्छी सोच, एक यू नो एक अच्छी सोच या फिर और उनको सचेत करना और उनको बेहतर बनाना पर्यावरण के प्रति, ये क्या है पर्यावरणीय शिक्षा हो गई। अब इसको देख लेते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में। तो एक परिभाषा यहाँ पे आता है दोस्तों लक्ष्मीधर के अनुसार, ये परिभाषा बहुत अच्छा है, मैं मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इसको लिख लीजिएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास किया जाता है, जो पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण में सहायक होता है। कितना अच्छा परिभाषा इन्होंने दिया। क्या कहा पर्यावरण शिक्षा के बारे में इन्होंने, क्या कहा दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के बारे में, कहा कि पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं मानव के प्रति, मानव के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता हम पैदा करते हैं, पर्यावरण के ज्ञान हम उन्हें देते हैं, उनके अंदर कौशल डेवलपमेंट करते हैं, एटीट्यूड अभिवृत्ति उनके अंदर लाते हैं और मूल्यों का विकास करते हैं, जिससे पर्यावरण को सुधार किया जा सके और पर्यावरण को संरक्षण किया जा सके, बचाया जा सके। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो अब इस परिभाषा के अनुसार पर्यावरण के बारे में आप क्या कह सकते हैं पर्यावरण शिक्षा के बारे में? ये एक स्पेशल एजुकेशन है, एक वह विशिष्ट शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा उस विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं जो जन समुदाय को पर्यावरण की जानकारी से परिचित कराए, बोध कराए, ज्ञान कराए, पर्यावरण की कठिनाइयों कारणों का निवारण करे, तो अगर कोई कमी है तो वो जाने, उसको हल करे, ठीक है, और भविष्य की कठिनाइयों को आगाह कर दे। जैसे भविष्य की सबसे बड़ी कठिनाई गर्मी, आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे, सुबह 5 बजे इतनी तेज धूप, ये क्या है दोस्तों भविष्य के लिए खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश का भी टेम्परेचर 50 से प्लस है। तो हमें इस खतरे को पहले जानना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, ठीक है। तो एक कोशिश करिएगा कि बर्थडे पे आप किसी को केक ना खिला के आप पेड़ लगा दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और पर्यावरणीय शिक्षा मानव को पर्यावरण की जन चेतना को जागरूक कर मानवीय आचरण को संतुलित करती है, बराबर रखती है, ठीक है। ये हो गई पर्यावरण शिक्षा के बारे में। पर्यावरण शिक्षा क्या है भैया? पर्यावरण को जानना, भविष्य के खतरे को पहचानना, पर्यावरण के कोई कारण हो उसको समझ के उसको हल करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें पर्यावरण शिक्षा के कार्य होते हैं। पर्यावरण शिक्षा इसी के लिए हमें दी जाती है। अब अगर आपसे पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य पूछे तो बिल्कुल आपको इन्हीं पॉइंटों को लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत, पर्यावरण शिक्षा लिख लेंगे या फिर बताने की जरूरत है। फिर वही पॉइंट जैसे कि पर्यावरण के महत्व को बताना, महत्व को जानना, ठीक है, पर्यावरण में प्रकृति जो भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी करना, पर्यावरण की समस्याओं की जानकारी रखना, उसका संरक्षण एवं प्रबंध करना, पर्यावरण के घटकों का अंतः संबंध स्पष्ट करना, हर एक का एक से अंतः संबंध है, हम भी एक पर्यावरण का हिस्सा है, हमारा संबंध पेड़ के साथ है, हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ हमारे से हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो हमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, हम एक दूसरे से क्या है भाई अंतः संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके कुछ अन्य उद्देश्य देखें, पर्यावरण शिक्षा क्यों दी जाती है, बच्चों को क्यों पर्यावरण की जानकारी दी जाती है, तो पर्यावरण घटकों के अंतर संबंध को स्पष्ट करना, संतुलन बनाए रखना, पेड़ काट देंगे जिस दिन इस दुनिया से पेड़ खत्म हो गए इंसान भी खत्म हो जाएंगे, डेफिनेटली खत्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम एक दूसरे से अंतर संबंधित है, या फिर अगर कोई बचेगा भी तो वो बचने लायक नहीं रहेगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरण को समझना और कौशल एवं अभिवृत्तियों का विकास करना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने की समझ को विकास करना, व्यवहारिक कार्यों के लिए जन समुदाय को लाना, ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों पर्यावरण के शिक्षा के उद्देश्य हैं, मतलब पर्यावरण शिक्षा में दी क्यों जाती है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ याद नहीं, याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो पर्यावरण शिक्षा की अर्थ परिभाषा उद्देश्य आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब आइए अगला हम पॉइंट देखें, पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति हम जानेंगे दोस्तों, इसमें प्रकृति का मतलब क्या होता है, ये एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, विश्व जैसे मान लीजिए आप अगर अपने देश का पर्यावरण सही करेंगे ना तो आपके पड़ोसी देश का भी फायदा होगा, ठीक है, अगर अपना पड़ोसी देश अपना पर्यावरण खराब कर ले तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है, हम अगर अपना इन्वायरमेंट सही करें तो ये विश्वव्यापी है, सबको फायदा करता है, विश्व बंधुता की प्रेरणा है, यह एक सकारात्मक उपागम है, ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच है दोस्तों, या एक अनुशासनात्मक रूप धारण करती है, या एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। अब मान लीजिए मैंने अपने घर के आसपास अच्छा माहौल बना लिया, मेरे घर का पेड़ अगर ऑक्सीजन देगा तो कोई जरूरत नहीं कि वो मुझे ही देगा, वो सबको देगा, ठीक है, तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। पर्यावरण के बारे में समझ गए, अब एक और टॉपिक यहाँ पे याद कर लीजिए, जैसे प्रदूषण के बारे में आता है, तो मैं प्रदूषण के बारे में इस वीडियो में नहीं बनाने वाला, क्योंकि आप जानते हैं ना प्रदूषण को, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में अगर आपसे सवाल पूछता है इसके कारण क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो का पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता है, पहला पर्यावरण, दूसरा प्रदूषण, इसको आप आसानी से समझ गए, आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, योग, यानी कि योगा के बारे में बात करेंगे, सवाल इससे भी अक्सर आपसे
पूछे जाते हैं। तो योग का क्या मतलब होता है दोस्तों, योग क्यों जरूरी है या योग का मतलब क्या है? देखिए योग जो है स्वस्थ जीवन जीने का एक कला है। योग क्या है? स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है जो मन और शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है, आपके मन और आपके शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। योग से आपका मन भी स्वस्थ होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, ठीक है, दोनों के साथ साथ चलेंगे। मन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा, चैन रहेगा। इतने पैसे कमा लिए लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में शांति कैसे आएगी? योग से आएगी। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। प्राचीन काल से ही हमारी जीवन शैली के ये अंग रूप हैं योग करना। आज योग सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। योग क्या कर रहे हैं? सबको अपनी आकर्षित कर रहे हैं। तो योग क्या है भाई? योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है और आपके मन और आपके शरीर का कनेक्शन है, सामंजस्य है, एक रिलेशन है, कॉम्बिनेशन है, यही क्या है दोस्तों? योग। ओके, कोई दिक्कत? अब योग की कुछ परिभाषा देखेंगे तो अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया। जैसे ये एक परिभाषा दोस्तों दिया यहाँ पे, ये परिभाषा यहाँ पे दिया गया दोस्तों, योगासी चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है भाई? आपके मन चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, जो मन की चंचलता है, जो मन में कुरूतियाँ हैं, जो मन बहकता रहता है ना, उसका निरोध, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना, मन की चंचलता को रोकना, कंट्रोल करना, ये क्या है? योग है। तो ये एक योग की परिभाषा हो गई संस्कृत के हिसाब से। और भी अगर आप परिभाषा की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने योग को कैसे परिभाषित किया? देखो प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन ही योग है, ठीक है, प्राचीन आर्य ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चे धर्म का पालन है और यही वास्तविक योग है। निस्वार्थ भावना से कर्म करना, सच्चे धर्म का पालन करना, यही क्या है दोस्तों? वास्तविक योग है। पंडित श्री शर्मा जी आचार्य जी के अनुसार जीवन जीने की कला ही क्या है? योग है। ये वो परिभाषा है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कुछ और अगर परिभाषा की बात करें योग की, कुछ और परिभाषाओं की, तो योग क्या है भैया? समाधि। महर्षि व्यास के अनुसार योग क्या? समाधि। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? योग समाधि जिसका भाव यह है कि समाधि द्वारा जीवात्मा उस सत्य चित आनंद स्वरूप ब्रह्म सत्य को, योग का मतलब, समाधि का मतलब उस ईश्वर को प्राप्त कर लेना, जीते जी ही उस ईश्वर की शक्ति को प्राप्त कर लेना, उनके आदर्श को, बताए हुए आदर्श के ऊपर जीवन व्यतीत कर लेना, वास्तव में यही योग है। तो ये हो गई योग की परिभाषाएं। मन के संवेगों पर नियंत्रण, अब वही जैसे बताया, मन की चंचलता, उसके वृत्तियों पर नियंत्रण। महर्षि अरविंद के अनुसार जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति योग है। ये सारे बहुत अच्छे परिभाषाएं दोस्तों, कोई भी तीन या चार जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। महर्षि अरविंद जी के अनुसार जीवन को बिना खोए भगवान को प्राप्त करना क्या है? योग है। सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो पर्यावरण प्रदूषण और योग के बारे में हो गया, योग के लाभ क्या होते हैं? योग के लाभ की बात करें तो बहुत से लाभ हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेंगे कि मन की शांति, हमारा पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? मन की शांति मिलती है, मन शांत रहता है, ज़्यादा इधर उधर बहकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको भी, मैं पर्सनली आपको कहता हूँ, अगर आपको भी ऐसा कभी लगे कि मन स्थिर नहीं है, तो मतलब मैं पर्सनली क्या करता हूँ, अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन स्थिर नहीं है ना, तो मैं रोज़ा रख लेता हूँ, मतलब एक दिन का व्रत कर लेता हूँ, रोज़ा रख लेता हूँ। तो सुबह 4 बजे से पहले तुम कुछ खाओ, फिर शाम को खाओ, मतलब मुझे लगता है कि ये भी एक प्रकार का योग है। तो मुझे लगता है कि भूखे रह लेना, मतलब रोज़ा रह लेना या फिर व्रत रख लेना, मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको बहुत ऐसे टेंशन, या फिर टेंशन की बात नहीं, मतलब मन कहीं स्थिर ना होना, ये ना समझ में आना कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तो एक बार अपने खुद को टाइम दो, भूखे रहो, रोज़ा रहो आराम से, और अपने आध्यात्मिक की तरफ जुड़ जाओ, नमाज या फिर पूजा, जो भी आपका आध्यात्मिक है उसकी तरफ आ जाओ, शांति से बैठो, ये भी एक योग के अंतर्गत आता है। आराम से बैठो, सोचो अपने बारे में, खुद को समय दो, सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो दूसरा दोस्तों लाभ यह है, तनाव मुक्त जीवन हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, मुस्कुराते रहिए आप लोग हमेशा, ये क्या है दोस्तों? मुस्कुराना एक कला है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके एक और फायदा यह है कि शरीर की थकान दूर हो जाती है, डेफिनेटली आप इससे आराम हो जाता है, थकान दूर हो जाती है, रोग मुक्त शरीर हो जाता है, जैसे योगा करेंगे तो बीमारियाँ कम होती हैं, बीमारियाँ हैं तो कम हो जाती हैं, नहीं है तो आगे नहीं भी होती है, वजन पर काबू, वेट आपका मेंटेन रहता है। हालांकि मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट आई थिंक आई एम फिट ना, मतलब मुझे बता देना, ज़रा कमेंट में बता देना कि कैसा है मेरा हेल्थ, कैसा है, ठीक है, मुझे लगता है ठीक है, मगर अब ज़्यादा एक्सीड हो रहा है यहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करना है, थोड़ा दौड़ उड़ के, योगा वगैरह से कुछ कंट्रोल इसको करना है, ठीक। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य शिक्षा एक शिक्षा शाखा है जो स्वास्थ्य, शरीर और मानसिक से संबंधित, यह आपको फिट रहने, अच्छा खाने, शराब और धूम्रपान से बचने के महत्व के बारे में बताता है, जानकारी देता है। स्वास्थ्य शिक्षा हमारे स्कूलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,
स्वास्थ्य शिक्षा एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है और लोगों को यह शिक्षित करने करता है कि वे अपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान दें और स्वास्थ्य को कैसे सही रखें। तो स्वास्थ्य शिक्षा वो है भैया, वो शिक्षा है जो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है, अच्छा खाने अच्छा पीने अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है, स्वस्थ रहने की कला बताता है, स्वस्थ रहने की शिक्षा देता है। तो ये हो गई बात दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा की, ठीक है। अब स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं कि वो बालक को स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को समझाता है, अपने स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए मार्ग प्रदर्शित करता है कि कैसे आप फिट रह सकते हैं, योगा करके, एक्सरसाइज करके, अच्छे डाइट का इस्तेमाल करके, प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करके। बैलेंस डाइट भी एक शब्द आता है, उसको इसी वीडियो में आगे देखा जाएगा, उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो उनके स्वास्थ्य स्तर की जाँच करते रहना चाहिए कि हम कितने फिट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है या वेट घट रहा है या फिर कहीं बॉडी में कहीं कुछ असुविधा आ रही है, तो इस चीज़ों के बारे में बताते रहें। तो स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्या बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करता है, संक्रमक अवस्था तथा अवस्थाओं की पहचान करना तथा उन्हें सुधारना बताता है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो संक्रमक रोग होते हैं किसी दूसरे से फैल जाते हैं, इसके बारे में सचेत करता है, ये स्वास्थ्य शिक्षा इसकी जानकारी देते हैं। चलिए अगला आगे संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए, एक बार समझना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब होता है दोस्तों बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब कि हर एक पोषक तत्व, जो 7 पोषक तत्व हैं, उनकी प्रचुर मात्रा, मतलब प्रॉपर बैलेंस तरीके से मात्रा आपको समझते हैं कि बैलेंस डाइट के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप उसको लिखेंगे कैसे और बैलेंस डाइट होता क्या है। तो देखिए, एक ऐसा आहार, एक ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फैट, वसा बैलेंस रूप में, संतुलित रूप में मौजूद हो, वो संतुलित आहार कहलाते हैं, ठीक है। संतुलित आहार को संतुलित भोजन भी कहा जाता है और इसी प्रकार आहार हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। यदि संतुलित आहार को सरल भाषा में समझे तो हम यह पाएंगे कि संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी आवश्यक पोषक तत्व तो मौजूद हों और प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में, बैलेंस मात्रा में क्या हो, मौजूद हों। तो ये हो गई दोस्तों बैलेंस डाइट के बारे में, संतुलित आहार के बारे में। अब कुछ पोषक तत्वों के बारे में जैसे हम यहाँ पे बात करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट कुल कैलोरी का 60-70% होना चाहिए, प्रोटीन 10-12%, फैट 20-25% कुल कैलोरी प्रदान करता है, मतलब ये कंप्लीट आपको डाइट देता है, ये आपको एक बैलेंस डाइट देता है। अगर मैं पूछूं कि कितने बैलेंस, इसके लाभ क्या है दोस्तों, संतुलित आहार के लाभ क्या है, इसके लाभ क्या है, तो बस भाई संतुलित आहार के लाभ आपको बताना है इससे संबंधित, जैसे कि क्या होता है, स्वस्थ भोजन ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके शरीर के कार्य करने के तरीके में सुधार करता है, आपकी प्रतीक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, मतलब जो हमारा प्रतीक्षा प्रणाली जो हमें रोगों से रोकता है उसको मजबूत करता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वजन बढ़ने से रोकता है और अगर किसी की वजन कम हो तो उसको वजन बढ़ाता है। अन्य भी प्रमुख लाभ हैं, इसके अलावा और भी लाभ हैं। संतुलित आहार आपके पोषक संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है, एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्व की कमी से बचने के लिए आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके अंदर आयोडीन की कमी हो गई, ठीक है, आपके अंदर किसी विटामिन्स की कमी हो गई, तो आपको बैलेंस डाइट क्या करता है, इन कमियों को पूरा करता है, कुछ बीमारियों को रोकता है और कुछ का उपचार करता है, जैसे कोई बीमारी होने वाली है उसको रोक लेता है। अभी आप जैसे कि कोविड आया था तो सब इम्यून सिस्टम पे क्या करते थे, बड़ा जोर देते थे, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उसको ये बीमारी होती थी मगर वो सही हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉपर डाइट हमेशा लेना चाहिए। स्वस्थ भोजन से जैसे कि मधुमेह, मतलब डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग जैसे कुछ बीमारियों के विकास को रोका जा सकता है, यह मधुमेह और रक्त मतलब ब्लड प्रेशर का इलाज भी करता है। अभी किसी को डायबिटीज़ हो तो उसको बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, उसको चीनी कम करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, तो उसको नमक कम करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको नमक की मात्रा प्रॉपर लेनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये क्या करता है दोस्तों, लाभ पहुँचाता है। कुछ अन्य विशेष लाभ भी हैं, ज़रा इस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। यह एक विशेष आहार का पालन करने से लक्षणों को कम किया जा सकता है, इस तरीके की बीमारियों को क्या कर सकते हैं, बढ़ने से हम रोक सकते हैं, ऊर्जावान महसूस होने लगते हैं, प्रॉपर डाइट लीजिए, फल फ्रूट्स दूध ये सारे लीजिए, क्या होता है, ये सारे इसके लाभ हैं, ये सारे इसके फायदे हैं, इसको आसानी से आपको लिखा जा सकता है। अब एक और टॉपिक यहाँ से आपसे पूछा जाता है, संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज़ किसे कहते हैं, बस इसको शॉर्ट में हम समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। संक्रमक रोग से तात्पर्य वो है जैसे कि कुछ ऐसे रोग होते हैं, ऐसे रोगाणु होते हैं, कैसे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, वायरस होते हैं जो एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे संक्रमक रोग से तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान या जीव में फैलते हैं।
इस प्रकार के रोग किसी न किसी रोगजनित कारकों रोगाणु जैसे प्रोटोजोआ, यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलकर उसे संक्रमित कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रमक रोगों के उदाहरण। तो ये पॉइंट अपने ध्यान में रखिए, इसलिए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मोस्टली इससे सवाल पूछा ही जाता है, जैसे समय सारणी टाइम टेबल आपसे जरूर पूछा, क्योंकि एक्चुअली आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इससे आपसे पूछा जाता है टाइम टेबल के बारे में आपसे। तो टाइम टेबल क्या है, समय सारणी क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए टाइम टेबल के बारे में देख लें। अगर प्रत्येक विद्यालय के विभिन्न विषयों को शिक्षण कार्य, खेल कूद, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, विभिन्न प्रतियोगी क्रियाएँ, कार्य साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधि, अनेक क्रियाएँ चलती रहती हैं। टाइम टेबल का बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि एक सूची है टाइम टेबल, ठीक है, जो आपको ये बताती है कि आपको कौन सा कार्य कब करना है, कितने समय के लिए करना है, किन किन के साथ करना है। तो ये सारी चीज़ें वो सूची है जो हमें इन सारी चीज़ों को बताती है, करने के लिए बताती है। तो टाइम टेबल का यही मतलब होता है दोस्तों कि विद्यालय की सफलता एवं शिक्षक की उन्नति इन विभिन्न क्रियाओं को सुसंचालन पर निर्भर करती है। अतः विद्यालय के दैनिक कार्य को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए योजना बनाई जाती है, वही समय सारणी कहलाती है। वह श्रेणी, वह योजना, वह टाइम टेबल्स, वो चार्ट जो आपके विद्यालय के सभी कार्यों को करने के लिए योजना बनाती है, सुनिश्चित करती है, समय सारणी दर्शाती है, वही वास्तव में समय सारणी है कि टाइम टेबल कहलाती है। इसकी परिभाषा से बात समझ में आ जाएगी, डेफिनेशन देखते हैं फिर ये और चीज़ें समझ में आएंगी और यही आपको एग्जाम में लिख लेना है। ओके, तो डॉक्टर एस एन मुखर्जी लिखते हैं कि समय सारणी वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होते हैं, जिसके चित्र दिखाई देते हैं जो कि बनते हैं। तो ये हो गई बात समय सारणी की डॉक्टर एस एन मुखर्जी के अनुसार। टंडन एवं त्रिपाठी जी के शब्दों में, वह योजना अथवा तालिका जिसमें विद्यालय के दैनिक क्रियाओं, विषयों, कक्षाओं का समय विभाजन दर्शाया जाता है उसे समय सारणी कहते हैं। ये दोनों बेस्ट डेफिनेशन है, आपको इसको डेफिनेटली याद कर लेना चाहिए। चलिए अब समय सारणी की महत्व और उपयोगिता की बात करें, अगर हम कि कितने इसके यूजर्स हैं, क्या इसकी उपयोगिता है। तो सबसे पहले दोस्तों कि विद्यालय के कार्यक्रम का ज्ञान हो जाएगा कि आपको कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे स्कूल से आना है। मान लीजिए आप टीचर भी बन गए तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कब आपकी पीरियड्स है, कब आपको जाना है, कब आपको आना है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, कब आपको पढ़ाना है, ठीक है। निरीक्षण की सुविधा हो जाती है, अगर आपको कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है, प्रिंसिपल देखना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो भी उनके लिए आसानी हो जाता है। थकान एवं स्थिरता में कमी, मतलब अब किसी टीचर के लगातार हमने रख दिया, फर्स्ट पीरियड अब आप ही पढ़ाएं, सेकंड भी आप, तो इस तरह से थकान हो जाता है। तो सही प्रॉपर मैनेज रहेगा तो थकान में कमी आती है बच्चों के अंदर भी। अच्छा, टाइम टेबल भी इसी तरीके से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट आपने मैथ बनाया, फिर उसके बाद तुरंत केमिस्ट्री रख दीजिए, फिजिक्स रख दीजिए, तो ये सही बात नहीं होती है। तो बीच बीच में जैसे हमने मैथ पढ़ाया, फिर हमने कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट रख दिया, फिर उसके बाद कोई फिजिक्स रखा, फिर हमने कोई दूसरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट रख दिया, तो ऐसे करते हुए बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। नैतिक गुणों का विकास होता है, कार्य वितरण में समानता होती है कि सबको प्रॉपर कार्य मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई टीचर 5 घंटे ले रहा है, कोई टीचर 2 पीरियड्स ले रहा है, तो ऐसा नहीं होता, कार्य वितरण की समानता होती है। समय व श्रम के सदुपयोग होता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, कार्यों को नियमित मतलब कंटिन्यूटी भी बनी रहती है, और अनुशासन स्थापना संभव है। कोई भी चीज़ अनुशासन होता है कि बच्चा टाइम से आए, टाइम से जाए, टीचर भी टाइम से आए, टाइम से जाए, तो टाइम टेबल इन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए समय सारणी निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं, मान लीजिए अक्सर आपसे पूछ देता है कि टाइम टेबल बनाइए, तो टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको पूछा जाता है, पॉइंट जरूर आप इसको याद रखिएगा। सिद्धांत में पहला क्या है दोस्तों, विभागीय नियमों का पालन, मतलब कुछ विभागीय नियम होते हैं। सर्दियों में, ठंडी में बच्चों को 9 बजे 9:30 बजे तक बुलाया जाता है स्कूल में, लेकिन आप क्या करेंगे, आप ठंडी में सुबह 5 बजे बुला लेंगे, नहीं कर सकते। ये विभागीय नियम है कि सर्दियों में आपको उस समय बुलाना है और गर्मियों में आपको पहले बुलाना है बच्चों को, तो ये इस तरीके का विभागीय नियम। शिक्षकों के हितों का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसको कब पढ़ाना है, किसको कब क्या देना है, तो ये आपको हित में ध्यान रखना है। व्यापकता होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में, थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। विभिन्नता का सिद्धांत होना चाहिए सारे चीज़ों को साथ में लेकर, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, मैथ के बाद से आपने हिंदी रख दिया, फिर फिजिक्स रख दिया, फिर हिस्ट्री रख दिया, तो इस तरीके की विभिन्नता को आपको ध्यान रखना है। साधनों की उपलब्धता देखनी चाहिए, एक ही समय आपने 2 क्लासरूम का फिजिक्स लैब करा दिया तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पॉसिबल होगा, तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। थकान का ध्यान, मौसम का ध्यान, फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए थोड़ा सा, मतलब इतना कठोर नहीं कि कोई बच्चा प्रैक्टिकल में ना आए तो फेल, खत्म, बाय, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए।
इतने भी फ्लेक्सिबल ना हो कि बच्चे उसको लापरवाही से लें और इतने भी स्ट्रिक्ट ना हो कि बच्चे उसको कर ना पाए। तो लचीलापन होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये हो गए दोस्तों समय सारणी को बनाते के समय। जैसे कि समय सारणी को जब आप बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि सुबह 9:30 बजे मतलब एग्जैक्ट 9:30 बजे आपको आ जाना है। अच्छा, आप अक्सर देखिएगा 9:30 बजे की अगर एंट्री होती है तो प्रेयर आपका 9:50 या 10 बजे होता है। इतना बफर टाइम होता है कि चलो 45 तक भी आ गया तो काम चल जाएगा। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। लास्ट पॉइंट होने वाला इस वीडियो का, दैट इज़ व्हाट को करिकुलम एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो आपके पढ़ाई के साथ साथ भी चलती हैं। पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि आपका प्रेयर हो गया, आपके खेल हो गए, आपका स्काउट गाइड हो गया, आपका कोई परीक्षा प्रतियोगिता जैसे अंताक्षरी हो गए, इस सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है आपके पढ़ाई में। तो उसको भी देख लेते हैं। अक्सर आपसे सवाल पूछ लेता है कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होती है, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ क्या होती हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ का मतलब भैया पाठ्य सहगामी, पाठ के साथ साथ चलने वाली क्रियाएँ, ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से हैं जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तुओं का। इन क्रियाओं को ही पाठ्य सहगामी क्रियाएँ करते हैं। जैसे जो पढ़ाई के साथ साथ आपकी क्रियाएँ चलती रहती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहते हैं। अब इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है भैया, उद्देश्य देखते हैं। जैसे छात्रों के निहित प्रतिभाओं को खोज कर, कोई बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है या अच्छा ना भी हो लेकिन बहुत अच्छा पोएट है, मतलब कविता उसको बड़ा अच्छा आता है, सिंगर बड़ा अच्छा है, डांसर बड़ा अच्छा है, क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है, तो उसके अंदर जो प्रतिभा है उसको निकालना, उसको बाहर निकालना, ठीक है। ये भी एक शिक्षक का काम होता है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अतिरिक्त शक्तियों का समुचित उपयोग, पढ़ाई के अलावा भी उसकी जो टैलेंट है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी शक्ति है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। छात्र अतिरिक्त शक्ति को समुचित उपयोग इन क्रियाओं द्वारा ही होता है, ठीक है। कोई बच्चा अच्छा स्पीकर है, अच्छा स्पीच दे सकता है तो स्पीच दे, हाँ ठीक है। और वैसे भी हर एक विद्यार्थी को पढ़ाई के अलावा अपनी एक क्वालिटी को जानना चाहिए। होना बड़ी बात नहीं है, होने के साथ साथ जानना बड़ी बात है कि हाँ इस चीज़ में मैं ठीक हूँ, इस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरा हॉबी है। तो मुझे पर्सनली, जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत की बात करूँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे लोगों से बात करने में और उससे ज़्यादा लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। गांव में भी वैसे भी मेरे जो दोस्त होते हैं ना, जो गाँव के दोस्त होते हैं वो उनसे मेरा थोड़ा सा वो मुझे अलग ही समझते हैं। तो जैसे गाँव में भी जैसे चाचा लोग हो गए, दादा लोग हो गए या फिर दादी लोग, चाची लोग, तो ऐसे बैठ के सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और सुनने के साथ साथ ना मेरी अच्छी आदत कह लो या बुरी आदत कह लो, जब वो बोल रहे होते हैं ना तो मैं रिस्पांस अच्छा करता हूँ, जैसे कि अच्छा सही में, अरे यार कैसे, तो मतलब इस तरह से रिस्पांस करने में तो वो और एक्साइटेड होते हैं, सुनो मतलब कहानी सुनाते रहते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे बैठ कर उनको रिस्पांस करना और उनको सुनना। तो बोलना और सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली। तो ये मेरी क्वालिटी, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी स्पेशल क्वालिटी है। बाकी आपकी क्या स्पेशल क्वालिटी होती आप देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के फायदों में शैक्षिक दृष्टि से महत्व, मतलब एजुकेशन से इसका कितना महत्व है। इनके माध्यम से छात्र में परस्पर सहयोग, प्रेम, सद्भावना, मेल मिलाप, सहकारिता आदि गुणों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इससे सारी चीज़ों से फायदे होते हैं, ठीक है। चलिए मुझे लगता है कि एक और दो पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये बच गया कि कुछ और उद्देश्य जैसे विशेष रुचियों का विकास। विशेष रुचियों का विकास का मतलब कुछ बच्चे जैसे उनको केवल पढ़ाई से मतलब है, केवल उनको पढ़ना है, लेकिन जब वो ऐसे को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं तो उनको मज़ा आने लगता है, उनकी रुचि बढ़ने लगती है, इंटरेस्ट, तो एक नई रुचि की तरफ वो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, नए रुचि को शामिल करते हैं। उसको खुद भी नहीं पता होता कि इतना अच्छा क्रिकेट वो खेल लेगा, लेकिन जैसे जैसे खेलता है उसको लगता है कि वाह इज़ अ गुड क्रिकेटर। तो ऐसे क्या होता है, नई रुचियों का विकास होता है। सामाजिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, तो इनका सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व पाया जाता है। जैसे प्रतिनिष्ठा, जैसे प्रतिनिष्ठा, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता से प्रेरित होकर छात्र विद्यालय और राष्ट्र के प्रेम करना सीख जाता है। विद्यालय से प्रेम करना, राष्ट्र, जैसे विद्यालय की सफाई करना, विद्यालय में कोई प्रोग्राम कराना है, तो इन सारी चीज़ों को विद्यार्थी क्या करता है, सीखता है। नैतिक दृष्टि से इसका महत्व क्या है कि इन क्रियाओं का नैतिक दृष्टि से भी महत्व है। छात्र वफादारी और नियम का पालन करना सीख जाता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम आउट हो गए लेकिन अंपायर को पता नहीं चला हम नहीं आउट होंगे, क्यों, यहाँ पे अगर खुद से भी आउट हो जाते हैं तो ये एक नैतिकता की भावना होती है। हमारे सचिन तेंदुलकर एक मतलब इस चीज मामले में ही इज़ अ गुड मैन, मतलब एक आइडियल पर्सन है। तो बस इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही समझेंगे। आपको मैं आशा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आए। देखिए वो सामान्य चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बखूबी जानते तो हैं, लेकिन आपको क्या करना था, बस एक बार रिविज़न कर लेना था, बाकी आप आसानी से इसको लिख सकते।
तो आपने क्या क्या पॉइंट्स देखा दोस्तों? पर्यावरण के बारे में देखा, चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, पर्यावरण शिक्षा जो हमें इसकी शिक्षा देती है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को संरक्षण करना है, पर्यावरण को जानना है, आने वाले भविष्य के पर्यावरण के खतरे को महसूस करना है, उसे रोकना है, रोकने का प्रयत्न करना है। प्रदूषण के बारे में दोस्तों तो आपको बखूबी पता है, प्रदूषण को कैसे रोकना है, प्रदूषण के कारक क्या होते हैं, प्रदूषण से क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, प्रदूषण को कैसे रोकना है, पेड़ लगाना, तो ये सारी चीज़ें। योग को आपने देखा दोस्तों, योग क्या है दोस्तों? जीवन जीने की कला योग है, ये सारी चीज़ें। स्वास्थ्य शिक्षा देखा आपने, क्यों जरूरी है, स्वास्थ्य शिक्षा को कैसे बच्चों को बताना चाहिए। संतुलित आहार में देखना आपने कि संपूर्ण पोषक तत्व बराबर मात्रा में, बैलेंस्ड मात्रा में आपको मिलना चाहिए। स्वच्छता हाइजीन का मतलब स्वच्छ कैसे रहना है, ठीक है। संक्रामक रोग जो किसी कारक से एक दूसरे से दूसरे में फैलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज जिसको कहते हैं। समय सारणी टाइम टेबल आपने देखा। हाँ, जनसंख्या आपने नहीं देखा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आपने देखा, कोकरिंग। अब जनसंख्या का मतलब, जनसंख्या में यही जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या के कारण, जनसंख्या कंट्रोल करने की विधि, सरकार की कुछ नियम विधि, ये सारी चीज़ें। तो ये वो पॉइंट है दोस्तों, कम से कम 20 से 25 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। 30 सितंबर तक इसे आपसे पूछा जा सकता है आपके बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स में, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा में। तो ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है और इसको दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार टॉपिक समझ में रखिए, दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, और एग्जाम आए तो पेन उठाइए, बस लिखते जाइए, आसानी से आप इसको कर जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मिलेंगे अगले वीडियो में इन बाकी पॉइंट्स के साथ। जैसे आपके ये जो सारे पॉइंट है, इसको भी तो पढ़ना है, इसको भी तो बनाना है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे, इस सारे पॉइंट्स को समझेंगे अगले वीडियो में, समझेंगे वन बाय वन करके देखते हुए चलेंगे। चिंता ना करिए, परेशान ना होइए, टेंशन ना होइए, ना लीजिए, आपकी परीक्षाएं अच्छी होंगी, नंबर अच्छे आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके संबंध में। सो, अभी आपको क्या करना है, सोचिए क्या करना है। नहीं बताइए, वो बात बताइए जो मैं लास्ट में बोलता हूँ, वो क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आई वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, और सबसे खास बात, कमेंट में अपनी राय, प्रतिक्रियाएँ, अपना फीडबैक, अपने प्रीसियस वर्ड्स, अपने बहुकीमती बहुमूल्य अपने वचन को, अपने बातों को कमेंट में जरूर रखिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के। कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई कर सके। सो, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, खुश रखिए। जाने का मन नहीं कर रहा है ना अभी तो जाना होगा, तभी तो दूसरे वीडियो में आएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।